हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सरमैक। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका आप वेट कर रहे थे। कल से आप सभी के एग्जाम्स है। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए और आपको फुल मार्क्स आए, यही हम मनोकामनाएं करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। कल एग्जाम्स है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश भी है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करना है। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, वो देख लेंगे भी तो आपके लिए काफी हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एट और नाइन्थ के सोच रहे होंगे कि सर हमारे लिए अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि टेंथ क्लास के लिए ही अपलोड कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम को जाने वाले हैं, इसलिए ज्यादा फोकस उन्हीं पे रहता है। जब आप टेंथ में आ जाएंगे तो आप पर भी ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि उतना टाइम मुझको नहीं मिल रहा है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि सर अपलोड नहीं करें। जितना मुझसे बन पाता है आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। मैथमेटिक्स है, आप किसी से भी एडवाइस लेकर, टीचर से एडवाइस लेकर आप कर सकते हैं। तेलुगु कंप्लीट आपके लिए अपलोड करूंगा, किसी को भी शिकायत का, कंप्लेन का मौका मैं नहीं दूंगा। सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ सभी के लिए अपलोड करूंगा, क्योंकि तेलुगु थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, आपको समझ नहीं आता है। चलिए अब हमको जाना है कल S7, हमको कल से लिखना है S7 एग्जाम्स हमारे है। सबसे पहले आपको तीन सेक्शन आएंगे, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। ये होगा आपका 7 मार्क्स, ये होगा 12 मार्क्स और ये होगा आपका 16 मार्क्स का। आपका ये होगा तो टोटल कितने मार्क्स का होगा, ये 35 मार्क्स का आपको पेपर होगा। 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। 8 और 9th को दोनों के भी सेम पेपर होगा। तो अब क्या करना है आपको, छोटी सी स्ट्रेटेजी, छोटी सी टिप दूंगा मैं, ज्यादा आपका लंबा नहीं टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ना है। आप सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ में आ जाएगा, अरे मुझको थर्ड वाला आता है, चलिए टिक। फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है, चलिए टिक। सेवेंथ वाला आता है, टिक। जो क्वेश्चन आपको पहली बार आ रहे हैं, अच्छे तरह समझ में आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को टिक करना है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको थर्ड सेक्शन पहले आता है अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि दो ग्राफ आएंगे अच्छी तरह आपको, और आप जाते वक्त पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, रिरेजर, शॉर्पनर, ये सारी चीजें अच्छी तरह लेके जाइए। किसी और पर डिपेंड न मत रहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह एग्जाम लिखना है, किसी और के डिपेंड पे नहीं रहना है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके जो मार्क्स है 80 out of 80 मार्क्स आपको आए, और यही मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह लिखेंगे एग्जाम। और कुछ अगर डाउट है तो देखिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये S7 एग्जाम्स है। अगर कुछ हमारे पास कमी रह जाती है, कुछ हमको टेंशन होता है, तो बाद में हम कोशिश करेंगे कि अच्छा लिखने की, लेकिन जितना आता है एटलीस्ट 60% तो आपको लिखकर आना है, 60% पेपर तो आपको लिखकर आना है, क्योंकि आपको रियल नंबर सेट्स, पॉलीनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, सिमिलर ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक, 8 चैप्टर्स है। 14th में से अगर 8 निकालेंगे तो 6 चैप्टर्स आपके बच रहे हैं, मतलब 75% सिलेबस यहीं पर है। अगर आप 75% सिलेबस में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो एनुअल में आपको दिक्कत हो जाएगी, ये याद रखिए आप। अगर आप चाहते हैं एनुअल में अच्छा दिखे, एनुअल में अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा आपको दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि क्वार्टरली है, S7 है, छोड़ देंगे, देखेंगे एनुअल में हम ट्राई करेंगे, वो नहीं करना है। अब आप आज नाइट बैठिए, कल मॉर्निंग तक प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जितना बन पाता है आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। और दूसरी बात, आपको अपने आप पर 100% कॉन्फिडेंस रखना है, किसी और पर नहीं। मेरे फ्रेंड मुझको बताएगा, हमारे टीचर मुझको बताएंगे, टीच पेपर ऐसा हार्ड आएगा, इजी आएगा। पेपर क्या हार्ड आएगा तो नहीं लिखोगे एग्जाम, लिखना है। पेपर इजी आएगा तो भी लिखना है, हार्ड भी आया तो लिखना है, इजी आया भी तो लिखना है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम कॉन्फिडेंस ले रहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूं,
इतने क्वेश्चंस मुझको आएंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाइए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बैठिए आराम से, आपको घबराहट हो रही है या डर महसूस हो रहा है तो एक ग्लास पानी पी लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। नीट हैंड राइटिंग लिखिए, पेपर इस तरह देगा आपको, ये पेपर रहेगा तो यहां पर आपको मार्जिन क्लियरली होना चाहिए, सेक्शन यहां पर क्लियरली होना चाहिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर आपको क्लियरली होना चाहिए, सोल्यूशन, उसके बाद एक मार्जिन फिर मार देना है, फिर एक सोल्यूशन करना है, फिर एक मार्जिन आपको करना है। और अटैचमेंट कैसे करना है, पहले आपका मेन एडिशनल, उसके बाद क्या एडिशनल, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इस तरह इसको आप अरेंज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ज्यादा सुन सके, बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छा पढ़कर अच्छा लिखकर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ डाउट है तो बाद में पूछ लीजिए, बाद में हम सॉल्व करेंगे, बाद में पेपर एनालिसिस मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर आप देख लीजिए, लेकिन डिमोटिवेट होकर अपने आप को अपसेट करके एग्जाम में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये आपके लिए और किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट।